अब खबर रायसेन से, जहां रायसेन जिले में अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। सुल्तानगंज सिलवानी मार्ग पर बिलखेड़ा चौराहे पर लाइसेंसी शराब दुकान की तरह अवैध शराब अड्डा चलाया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां पिछले 2 महीने से शराब की दुकान चलाई जा रही है। इस मामले में जब INH न्यूज ने प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त पंकज तिवारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देने पर अजीबोगरीब तर्क दिया। पंकज तिवारी ने कहा कि क्या आपने कभी मुकेश अंबानी को मीडिया को जवाब देते देखा है? सहायक आबकारी आयुक्त का विभाग की लापरवाही पर रवैया शासन प्रशासन के अवैध शराब पर रोक लगाने के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। सुल्तान के पास मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ तो हट जाए उसी को दिया, वो गया वहाँ पे, एरिया स्टाफ गया। अच्छा अच्छा सब चल रहा है। हम तो लेकिन ये गलत है, आप बाढ़ नहीं देते। रायचुरा साहब से पूछना आप। अपन मुकेश अंबानी के मकान बनाते, ये दारू भट्टी का कहाँ चल रहा है? ये बीड़ी ठेका ठेका। अच्छा कौन का है ठेका? हमें जो मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा कब से चल रहा है? 2 महीना हो गए। ये दारू का ठेका कहाँ चल रहा है? बिलखेड़ा चौरा। कितने दिन से चल रहा है? 2 महीने। 2 महीने हो गए जी। कौन सी पंचायत लगती है? बिछुआ पंचायत जी। अच्छा तो ये तो अवैध है ना जी? अवैध अनंत खनन में आता है तो। अच्छा फॉरेस्ट के ओवर है। हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओवर है आता है। वन विभाग की भूमि हाँ, किसी लागानी भूमि नहीं है।